भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। यहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने नेफेड धान खरीद एजेंसी द्वारा 4 माह बीत जाने के बाद भी धान का भुगतान न किए जाने को लेकर किसानों में आक्रोश है। आज इसीलिए यहाँ भारतीय किसान यूनियन ने SDM कार्यालय के सामने धरना दिया है। ये भीषण गर्मी में किसान ये बैठे हुए हैं और मुख्य बात यह है कि एक किसान ये अपने बच्चे को भी साथ लेकर आए, उनका बच्चा गोद में बैठा हुआ है, तो इससे इन लोगों की पीड़ा का एहसास होता है कि किसानों को धान का भुगतान न होने से पीड़ा है। किसान इस समय भुगतान न मिलने से परेशान है। किसानों को बैंकों का बकाया जमा करना है, बैंकों से नोटिस आ रहे हैं और नेफेड धान खरीद एजेंसी द्वारा अभी तक इनका भुगतान नहीं किया गया है। इसीलिए किसान यूनियन यहाँ SDM कार्यालय के सामने धरना देने के लिए मजबूर है। अब यहाँ धरने पर पहुँचे हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी। अब इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी क्या पीड़ा है। तो अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता जी। तो इनसे वार्ता करते हैं कि क्या समस्या है। हाँ सहोता जी बताइए। ये धान जो तुले थे क्रय केंद्र सरकार द्वारा लगाए थे, ये नेफेड एजेंसी थी एक, ये मेरे पास रसीद है 13 दिनांक 11वें महीने की और 2021 की 21 की रसीद है। ये ऐसे किसान सैकड़ों किसान हैं जिनका पेमेंट नहीं हो पाया। हमने बार बार चेतावनी दी, 23 तारीख को हमारी यहाँ मीटिंग थी, हमने जिलाधिकारी महोदय को माननीय मुख्यमंत्री की उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक पत्र भेजा कि अगर 2 दिन के अंदर हमारा नेफेड का धान का पेमेंट नहीं होगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हमने 2 दिन की बजाय अब 23 से लगा लो बहुत दिन दिए और अभी तक किसानों के खाते में पैसा नहीं आया, तो दिया नहीं गया। तो उधर हमारे जो बिजली के कनेक्शन हैं वो काटने के लिए SDO JEE जा रहे हैं कि पेनल्टी पड़ जाएगी कि मार्च के बाद आपको जमा करो, बिल जमा करो। उधर सोसाइटियों का जो बकाया है उसमें भी हमें पेनल्टी 2% की डल जाती है मार्च के बाद। तो जब किसानों का अपना पैसा नहीं मिलेगा, हमारा सरकार के पास पैसा है, सरकार ही वो वसूली कर रही है। भाई जब धानों का पैसा दोगे तो ही तो हमारा पैसा दोगे, हम कहाँ से, हमें एक्स्ट्रा आमदनी थोड़ा ही, हमने धान दिया 5-6 माह हो गए दिए। अच्छा, कभी जो ये नेफेड एजेंसी है तो इसके अधिकारियों से बातचीत हुई आपके भुगतान के? लगातार होती है, मैंने शुक्ला जी जिले के अधिकारी हैं, कई दफ़ा उनसे कहा बताइए कौन सा, मैंने सेंटर भी बताए। अच्छा। उसके बाद में रिजल्ट 0 है। अच्छा, कितने सेंटर लगाए थे नेफेड ने यहाँ धान खरीद के? यहाँ तो काफ़ी सेंटर थे, उसके 8-9 अच्छा, सेंटर अच्छा। थे, 8-9 सेंटर पूरे जिले में, ऐसे हमारे यहाँ जसपुर क्षेत्र में 8-9 थे, बाकी पूरे जिले में तो बहुत सेंटर। अच्छा, कितने परसेंट लोगों का भुगतान हो गया होगा? अभी 10% नेफेड की एजेंसी का 10% भी भुगतान नहीं हुआ है, 90% अभी किसानों का बकाया, सैकड़ों किसान यहाँ अभी रह रहे हैं हमारे जसपुर क्षेत्र के। अच्छा, ये बहुत सारे बैठे हैं हमारे, ये जो जिनका बकाया रह रहा है, ये रसीद मेरे पास, ये किसान बैठे हैं। अच्छा, इनका बकाया है। अच्छा, तो अब अगर जैसे भुगतान अगर नहीं होता तो फिर अब आगे क्या करेगी? आज हमने भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से एक सांकेतिक तौर से धरना उपजिला अधिकारी महोदय यहाँ दिया है। हम अगर आज ये पैसा ऐसे कार्रवाई नहीं डालने की चालू करते तो कल से अनिश्चितकाल दिन रात का धरना चालू हो जाएगा। जब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक हमारे किसान यहाँ बैठे रहेंगे परिसर में, जो तहसील परिसर में। अच्छा, तो मेरे सामने भारतीय किसान यूनियन युवा वर्ग के ये ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, सरदार अमनप्रीत जी, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ भाई अमनप्रीत जी बताइए कि इसमें क्या क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई हम तो जी ये चाहते हैं, एक दिन में हमारे किसानों का पेमेंट मिल जाए,
बहुत दिक्कत आ रही है किसानों को, गन्ना बोना है, खाद के लिए पैसे नहीं है, बिजली वाले तंग कर रहे हैं कि कनेक्शन काटेंगे, और सोसाइटियों से नोटिस आ रहे हैं लगातार। अभी कल एक किसान मुझे मार्केट में मिला जो अपनी घरवाली के जेवर गिरवी रख कर खाद के लिए पैसे लेने आया था दुकानदार से। बताइए ये हाल है हमारे किसान के, तो हमारा देश कहाँ से तरक्की कर जाएगा। अच्छा अभी मुझे पता चला है कि ये नेफेड एजेंसी द्वारा अब ये गेहूँ खरीद के लिए भी सेंटर लगाए जा रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना? बिल्कुल नहीं जी, हम लगने देंगे। जब तक हमारे धान का पेमेंट हमारे किसानों का नहीं आ जाता, हम नेफेड का कोई भी सेंटर अपने क्षेत्र में नहीं लगने देंगे। अच्छा अच्छा, तो देखिए अभी मैं ये भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से धान के भुगतान, बकाया भुगतान के संबंध में बातचीत कर रहा था। इन्होंने विस्तार से बताया और इनका ये कहना है कि यदि ये भुगतान शीघ्र न किया गया तो फिर भारतीय किसान यूनियन इसी परिसर में अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए बाध्य हो जाएगी। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।